तीन दिवसीय दौरे पर रायबरेली आई केंद्रीय मंत्री लोगों ने किया जोरदार स्वागत। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी के तीन दिवसीय दौरे पर थीं, जिस पर अपने दौरे के आखिरी दिन वो रायबरेली के डी ब्लॉक के हाजीपुर गांव में प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची थी। कार्यक्रम में सलोन विधायक दल बहादुर कोरी के साथ ही जिले के आला अधिकारी भी मौजूद थे। श्रीमती ईरानी ने जनता के साथ बैठकर मन की बात कार्यक्रम को सुना। इसी बीच क्षेत्र के ग्रामीणों ने अपनी समस्या से संबंधित की शिकायत भी उनसे की, जिस पर उन्होंने कहा कि यहां पर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक दोनों मौजूद हैं जो आपकी समस्याओं का जल्द ही निस्तारण करेंगे। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस साल वैश्विक कोरोना से एकजुट होकर सरकार के साथ खड़े होने पर नागरिकों का अभिनंदन किया, साथ ही आने वाले वर्ष में पर्यावरण संरक्षण व वोकल फॉर लोकल को बढ़ाने का आह्वान किया। श्रीमती ईरानी ने रायबरेली की जनता व अपनी ओर से प्रधानमंत्री मोदी को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। रायबरेली से सलोन ब्लॉक रिपोर्टर सुधांशु मौर्य के साथ डी ब्लॉक रिपोर्टर दया राम मौर्य की खास रिपोर्ट। नन किया, साथ ही नववर्ष में नए संकल्प हम ले पर्यावरण के संरक्षण का, वोकल फॉर लोकल को और आगे बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए हम सब संकल्पित हों, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने आज अपने मन की बात के उद्बोधन में हम सब नागरिकों से आह्वान किया। आज डी ब्लॉक की जनता, जिला रायबरेली की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को नववर्ष में और भी ऊर्जा के साथ राष्ट्र के उत्थान में समर्पित भाव से जो वो काम कर रहे हैं उनको नव कीर्ति की प्राप्ति हो, ऐसी शुभकामनाएं हम सब प्रेषित करते हैं।